Hello students, today we are going to start new chapter, chapter 14, biomolecules. Okay, before starting this chapter I want to discuss you about syllabus of chemistry. I have sent you new syllabus of chemistry and I think you must have seen the syllabus. There is some change in syllabus. Solid state and group 15 of P block element were not last year, but this time it has been added again. Okay, we have done three chapters before and fourth chapter today we are going to start. According to book, this is chapter number 14, biomolecules. As you know, the most remarkable characteristics of living system is that it grow, sustain and reproduce itself. Yes, and another amazing thing about living system is that it is made up of non-living atoms and molecule. We are living, but we are made up of non-living atom and molecules. Okay, and various changes take place in living system. Living system are made up of number of complex organic compounds called biomolecules, like carbohydrates, protein, enzyme, vitamins, hormones, nucleic acid, etc. Yes, now we start with biomolecules. Biomolecules are lifeless organic substance which build up of living organism and are required for their growth and maintenance. Biomolecules kya hai? Lifeless, yani inorganic कंपाउंड्स हैं आपके, लाइफलेस नॉन लिविंग कंपाउंड्स हैं आपके, जो बने हुए हैं, जो बना रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी हैं, एसेंशियल हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, विटामिन, एंजाइम एटसेट्रा. ओके, बायोकेमिस्ट्री branch of chemistry which deals with the study and role of these biomolecules in living organism tell about is known as biochemistry. Means branch of chemistry which deals with study of biomolecules and their role in living system is called biochemistry. Jo hame बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करा रहा है, इनका क्या फंक्शनिंग है लिविंग सिस्टम के अंदर, उनके बारे में जो हमें बता रहा है वो क्या है आपका, बायोकेमिस्ट्री. ओके, लेट अस स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are most important class of biomolecules. Okay, and these carbohydrates are found in plants and animal kingdom. They are formed in plant by a process of photosynthesis, and you know reaction of photosynthesis, CO2 and H2O in presence of sunlight and chloroform form CXH2OY plus XH2O आपका रिमूव हो जाता है. यस, तो अकॉर्डिंग टू दिस CXH2OY इज अ जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो अकॉर्डिंग टू दिस हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ओके, ग्लूकोज C6H12O6, अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बनाएं तो C6H2O6 फिट है इस जनरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, मींस इस डिफाइन को ये सेटिस्फाई कर रहा है. सुक्रोज एंड टेबल सुगर C12H22O11 आपका C12H2O11 इस डिफाइन से ये भी सेटिस्फाइड है. सम अदर एग्जांपल लाइक HCHO, दिस इज मॉलिकुलर फार्मूला फॉर्मेल्डिहाइड, C1H2O1 ये भी इसे सेटिस्फाइड कर रहा है. CH3COOH एसिटिक एसिड, दिस वन ऑल्सो सेटिस्फाइड दिस डिफाइन, बट दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, दीज आर एसिड एंड दिस इज एल्डिहाइड, दिस नॉट फिट इन दिस डिफाइन. रेमिनोज C6H12O5, इसे अगर हम इस जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें C6H2O6, नहीं ये सेट नहीं हो रहा है, बट दिस इज कार्बोहाइड्रेट. ओके, डीऑक्सीराइबोज नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट आपका C5H10O4, दिस ऑल्सो नॉट सेट इन दिस जनरल रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स दिस डिफाइन इज नॉट कम्प्लीटेड. सम मॉडिफिकेशन, सम चेंजेस टेक प्लेस इन दिस डिफाइन, एंड मॉडर्न डिफाइन नाउ इज दिस. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और सब्सटेंस व्हिच गिव दीज
ऑन हाइड्रोलिसिस, मींस कार्बोहाइड्रेट्स आपके क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी मीन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, या लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी और कीटोनिक ग्रुप होगा आपके कंपाउंड के अंदर. ओके, तो उन्हें हम किस में कैटेगराइज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा आपका. ओके, एक टर्म आपका यहाँ आया है ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से मीन क्या है, दो सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं थोड़ा सा इसके बारे में. अगर आपका सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज मूव कराता है तो इसके लिए हम साइन लगाते हैं पॉजिटिव या स्मॉल डी, और अगर आपका सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा है तो उसके लिए हम साइन मेंशन करेंगे स्मॉल एल या माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे. पॉजिटिव साइन मींस ऑप्टिकली मींस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा है. नेगेटिव साइन मींस आपका प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहा है. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, दीज आर डिवाइडेड इंटू मेन थ्री क्लासेस. फर्स्ट वन मोनोसैक्राइड, सेकेंड ऑलिगोसैक्राइड एंड थर्ड वन इज पॉलीसैक्राइड. लेट अस स्टार्ट विद मोनोसैक्राइड. मोनोसैक्राइड, मोनो मीन्स एक. ओके, मीन्स जो हाइड्रोलिसिस पे ओनली अपने आप में वही एक सिंगल यूनिट रहे, कोई और हमें हाइड्रोलाइज्ड होके सिंपलर मॉलिक्यूल्स ना प्रोवाइड करें. तो ये क्या है, दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके मोनोसैक्राइड विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एट्सेट्रा. ओके, इनका जनरल फार्मूला है CH2O N. N इज हेयर 3 to 7 आपका. नेक्स्ट वन ऑलिगोसैक्राइड. ऑलिगो मीन्स होता है फ्यू, फ्यू मीन्स 2 to 10 आपका. तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स. ओके, अब 2 to 10 डाइसैक्राइड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, सॉरी ऑलिगोसैक्राइड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, टेट्रासैक्राइड लाइक दिस. मेन इज हेयर डाइसैक्राइड. ओके, दीज आर कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैक्राइड. डाई मीन्स 2, जो अपनी हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसैक्राइड की यूनिट प्रोवाइड करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, डाइसैक्राइड्स. ओके, एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एट्सेट्रा. जनरल फार्मूला इनका C12H22O11. तीनों का सेम फार्मूला है. ओके, लाइक सुक्रोज की अगर हम बात करें C12H22O11, हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं जब इनकी, तो इनसे हमें 2 यूनिट मिल रही हैं, फर्स्ट एक ग्लूकोज और दूसरा आपका फ्रक्टोज. जब हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 ग्लूकोज यूनिट मिलती हैं, और जब हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 1 ग्लूकोज यूनिट मिलती है और 1 गैलेक्टोज यूनिट मिलती है. ठीक है, मीन्स सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मोनोसैक्राइड, माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट एंड लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यूनिट. ओके, तो डाइसैक्राइड्स क्लियर होगा आपको. डाइसैक्राइड मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैक्राइड जो प्रोवाइड करे हाइड्रोलिसिस पे, दैट वन इज डाइसैक्राइड. ट्राइसैक्राइड, दीज आर कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैक्राइड. ट्राई मीन्स 3, जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैक्राइड प्रोवाइड करेगा दैट इज आपका ट्राइसैक्राइड. फॉर एग्जाम्पल सॉरी जनरल फार्मूला पहले इसका C18H32O16. एग्जाम्पल रेफिनोज, रेफिनोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 1 ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज और 1 गैलेक्टोज यूनिट मिलता है. तो रेफिनोज इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स. ओके, नेक्स्ट वन आपका बेटे टेट्रासैक्राइड. जनरल फार्मूला टेट्रा मीन्स सेम वही आपका, दोज कार्बोहाइड्रेट विच गिव 4 यूनिट ऑफ मोनोसैक्राइड्स. यस, C24H42O21. एग्जाम्पल आप देख रहे हो इसके अंदर स्टैकिकाइरोज C24H42O21 H2 हाइड्रोलिसिस एच पॉजिटिव लिख लेने ऊपर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और 2 गैलेक्टोज की हमें यूनिट देता है ये. ठीक है, नेक्स्ट वन आपका मोनोसैक्राइड कंप्लीट हुआ. मोनोसैक्राइड्स क्या हैं बेटे, जो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे कोई यूनिट प्रोवाइड नहीं करते, और ऑलिगोसैक्राइड्स आपका जो 2 to 10 यूनिट्स आपको प्रोवाइड करेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, और पॉलीसैक्राइड, पॉली मीन लार्ज नंबर. ओके, तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीसैक्राइड्स. मीन्स जिनकी हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स यूनिट मिलेंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसैक्राइड्स. जनरल फार्मूला इनका C6H10O5
एन, एन इज हेयर 100 to 3000 आपके इसमें हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च की बात करें या सेल्यूलोज, C6H10O5N, इनकी जब हम एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एन यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट सुगर एंड नॉन सुगर, देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैक्राइड्स भी कहते हैं क्योंकि ग्रीक वर्ड है आपका सैक्रॉन जिसका मीन्स होता है सुगर, तो कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है सुगर एंड नॉन सुगर। ओके, सुगर क्या होते हैं, सुगर नाम से ही क्लियर है बेटा, सुगर जो स्वीट इन टेस्ट हो, है ना, और जो आपके वाटर सॉल्यूबल हो, तो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंसेस विच आर स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्यूबल इन वाटर, उन्हें हम क्या कहेंगे, सुगर। ओके, ऑल मोनोसैक्राइड एंड ऑलिगोसैक्राइड आर कलेक्टिवली कॉल्ड सुगर, सारे के सारे मोनोसैक्राइड एंड ऑलिगोसैक्राइड आपके एग्जाम्पल हैं किसके, सुगर के, ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज इसमें आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन नॉन सुगर, नॉन सुगर उसका अपोजिट कर दीजिए, वो क्रिस्टलाइन है तो ये अमरफस होगा, वो स्वीट इन टेस्ट है तो ये टेस्टलेस होगा, वो वाटर इन सॉल्यूबल है तो ये इनसॉल्यूबल इन वाटर होगा। यस, तो दीज आर अमरफस सॉलिड सब्सटेंसेस विच आर टेस्टलेस एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर, सारे की सारे पॉलीसेक्राइड इसके अंदर आपके आ जाते हैं, स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन। देन नेक्स्ट वन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर या कार्बोहाइड्रेट्स, आपका कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो क्लासीफाइड एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर। रिड्यूसिंग सुगर दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिन रिएजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग सुगर, ऐसी सुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलिन रिएजेंट को रिड्यूस कर देती है, मीन्स उनकी जो फर्स्ट पोजिशन का ओ एच ग्रुप है अगर वो फ्री है तो वो आपकी रिड्यूसिंग सुगर में काउंट होंगी, और अगर फर्स्ट पोजिशन का ओ एच ग्रुप फ्री नहीं है तो वो आपकी नॉन रिड्यूसिंग सुगर में काउंट होंगी, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन टॉलिन रिएजेंट आपके वही हैं जो क्लास 11 की प्रैक्टिकल में हमने एल्डिहाइड और कीटोन की डिटेक्शन के लिए टेस्ट लगाए थे। नॉन रिड्यूसिंग सुगर दोज कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूस टॉलिन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों को जो रिड्यूस नहीं करेंगे वो नॉन रिड्यूसिंग सुगर में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका सुक्रोज और ऑल पॉलीसेक्राइड्स, वन थिंग आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, सुक्रोज इज डायसेक्राइड बट इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग। ओके, मैंने यहाँ पे भी लिखा है एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़ के आपका क्या है ये डायसेक्राइड और मोनोसेक्राइड सारे के सारे रिड्यूसिंग है। आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनता है ये कि गिव द वन मॉलिक्यूल ऑफ डायसेक्राइड विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, दैट वन है आपका सुक्रोज, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स को बेटे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है एल्डोजिज और कीटोजिज के अंदर, एल्डोजिज नेम से क्लियर हो रहा है ऐसे मोनोसेक्राइड जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोजिज जिसके पास कीटोनिक ग्रुप है। तो देखो मोनोसेक्राइड्स कंटेनिंग एन एल्डिहाइड यानी सी एच ओ ग्रुप जिनके पास होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, एल्डोजिस कहेंगे, एंड दिस ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द फर्स्ट कार्बन, ठीक है। कीटोजिस मोनोसेक्राइड्स हैविंग अ कीटो ग्रुप यानी सी ओ ग्रुप जिनके पास होगा उन्हें हम कीटोजिस कहेंगे, एंड कीटो ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन। एज मोनोसेक्राइड कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम्स, क्योंकि हमने जहाँ आपका जनरल फॉर्मूला जहाँ पढ़ा था वहाँ एन की वैल्यू क्या थी, 3 to 7 थी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कीटोजिस एंड एल्डोजिस फर्दर क्लासीफाइड एज, पहले हम बात कर रहे हैं एल्डोजिस की, नंबर ऑफ कार्बन एटम हेयर, हेयर क्लास, हेयर मॉलिकुलर फार्मूला, हेयर स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड हेयर एग्जाम्पल्स आपके, ठीक है। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3 तो क्लास आपकी क्या हो जाएगी, एल्डोट्रायोजिस ट्राई, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका C3H6O3 बन जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका CH2OH, CHOH और आपका CHO, इन्हें हम कैसे लिखेंगे लाइक दिस, फर्स्ट कार्बन आपका हो गया CHO, सेकेंड कार्बन आपका हो गया CHOH एंड थर्ड वन आपका हो गया CH2OH, इस तरह से आपका ये, ठीक है। एग्जाम्पल ग्लिसरल एल्डिहाइड, दैट मीन्स ये आपका क्या है, ग्लिसरल एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके 4 हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोटेट्रोजिस, ठीक है। एल्डोटेट्रोजिस के फॉर्मूला नंबर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C4H8O4 और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CHO फर्स्ट कार्बन, सेकेंड पे CHOH, सेकेंड पे फिर CHOH, थर्ड पे आप फोर्थ पे आपका CH2OH। एग्जाम्पल थ्रियोजिस और एराइथ्रोजिस,
नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 5 है तो एल्डो पेंटोजिज एग्जाम्पल C5H10O5, इसको फर्दर फिर ऐसे ओपन कर देंगे CHO, तीन आपकी CHOH, 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 3 यूनिट्स इस तरह से आ जाएंगी और लास्ट फिफ्थ नंबर पे आपका CH2OH आ जाएगा, अरेबिनोजिस, राइबोजिस और आपका जाइलोजिस के अंदर काउंट हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम अगर आपका 6 है तो एल्डो हेक्सोजिस हो जाएगा, C6H12O6 इसका जनरल फार्मूला है। रिप्रेजेंटेशन 6 है तो CHO फर्स्ट पोजिशन पे, लास्ट पोजिशन पे CH2OH और 4 यूनिट आपकी CHOH की आ जाएंगी, ठीक है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज इसके अंदर आपके काउंट हो जाएंगे। 7 आपका एल्डो हेप्टोजिस, जनरल फार्मूला बनेगा CH C7H14O7, जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला इसका ये बन जाएगा, अभी तक इसका एग्जाम्पल डिस्कवर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका कीटोजिस, सेम उसी तरह क्लासिफाइड करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन अगर आपका 3 है तो कीटो ट्रायोजिस, जनरल फार्मूला C3H6O3, जनरल रिप्रेजेंटेशन CH2OHCO और ये आपका CH2OH, इन्हें हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट है, उसमें आपका बैक साइड से स्टार्ट था, इधर आपका यहाँ से स्टार्ट है, लाइक दिस CH2OH, फिर आपका CO और फिर आपका CH2OH, लाइक दिस, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपका 4 है तो कीटो टेट्रोजिस C4H8O4, दिस वन फर्स्ट कार्बन ये है आपका CH2OH, सेकेंड CO, थर्ड नंबर पे CHOH, फोर्थ नंबर पे आपका CH2OH, एक ही लाइन में कनेक्ट होंगे सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके, ओके। एराइथ्रिलोज 5 कीटो पेंटोजिस हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 5 है तो C5H10O5 इसका फॉर्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन सेम वही CH2OH फर्स्ट वन, फिर CO आ गया आपका यहाँ, फिर इधर CHOH, थर्ड नंबर पे CHOH, फोर्थ नंबर पे CHOH, लास्ट वन आपका CH2OH, ओके। राइबुलोजिस और जाइलोजिस, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका कीटो हेक्सोजिस C6H12O6, जनरल रिप्रेजेंटेशन दिस वन CH2OH, CO, CHOH थ्राइस, CH2OH, फ्रक्टोज और सोर्वोज इसका एग्जाम्पल है। 7 कीटो हेप्टोजिस C7H14O7, फिर CH2OH, सेम इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे और अभी तक इसका एग्जाम्पल डिस्कवर नहीं है, ठीक है। तो ये आपके मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन है, एल्डोजिस एंड कीटोजिस। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटे, हमारे सिलेबस में 2 मोनोसैकेराइड्स हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज आपका क्या होता है, इट अकर इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन कम्बाइंड फॉर्म, नेचर के अंदर ये फ्री फॉर्म में भी मिलता है और कम्बाइंड फॉर्म में भी मिलता है। इट इज़ प्रेजेंट इन हनी, हनी शहद के अंदर, स्वीट फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, पियर्स, इनके अंदर ये मिलता है, ग्रेप्स के अंदर ये 20% मिलता है, राइप ग्रेप्स, कच्चे ग्रेप्स के अंदर, इसलिए इसे हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कॉल किया जाता है। और इन केन शुगर यानी सुक्रोज के अंदर, केन शुगर बोल दो, सुक्रोज बोल दो, टेबल शुगर बोल दो, सिंपल शुगर बोल दो, ठीक है। स्टार्च एंड सेल्युलोज, इन तीनों कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इट इज़ फाउंड इन कम्बाइंड फॉर्म, कम्बाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रिपरेशन, इसको हम सुक्रोज से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 1 ग्लूकोज यूनिट एंड 1 फ्रक्टोज यूनिट मिलती है, यस। सेम स्टार्च से भी ऑब्टेन हो जाएगा, स्टार्च पीछे किया है अभी हमने, स्टार्च की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एन यूनिट ऑफ हमें ग्लूकोज मिलता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6, ग्लूकोज क्या है, एल्डो हेक्सोजिस है एंड इज नोन एज डेक्सट्रोज भी इसको बोला जाता है। इसका ओपन स्ट्रक्चर बेयर साइंटिस्ट था जिन्होंने दिया, और रिप्रेजेंटेशन CHO फर्स्ट पोजीशन पे, 6 कार्बन है तो CHOH, CHOH, CHO, इस तरह से 4 आपकी CHOH की यूनिट आएंगी एंड CH2OH आपका लास्ट वन, ठीक है। इसको अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट कार्बन CHOH, सेकेंड पे जो आपका ये CHOH यूनिट है लाइक दिस CHO, CHOH, 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 4 यूनिट हमें इस तरह से कनेक्ट करनी है एंड 6 नंबर आपका CH2OH। ये जो HOH है इन्हें हम किस तरह से प्लेस कर रहे हैं, OH आपका राइट हैंड साइड में है, H आपका लेफ्ट हैंड में, थर्ड पोजीशन का OH आपका राइट हैंड साइड में है, H थर्ड पोजीशन का OH आपका लेफ्ट हैंड में है, H राइट हैंड में, HOH, इस तरह से। इसको याद करने का तरीका है आपका राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप कभी नहीं भूलोगे, राइट लेफ्ट राइट राइट की फॉर्म में, मींस फर्स्ट OH राइट है, सेकंड OH आपका लेफ्ट पे आना है, फिर राइट है, फिर राइट है। देन ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपका क्या क्या कंटेन कर रही है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है,
ओके, फोर, वन टू थ्री फोर, फोर सेकेंडरी अल्कोहल है एज यू नो. व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी अल्कोहल? अल्कोहलिक कंटेनिंग कार्बन अटैच विद टू अनदर कार्बन, ठीक है, दैट्स वाई इट इज सेकेंडरी आपका. एंड वन इज प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल मीन्स अल्कोहलिक कंटेनिंग कार्बन अटैच विद अनदर, ओनली वन अनदर कार्बन, ठीक है. तो दिस इज प्राइमरी. ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फोर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है. टोटल फाइव OH यानी फाइव अल्कोहलिक ग्रुप हमारे पास है, ठीक है. अब और ये जो सिक्स की सिक्स कार्बन है ये एक ही चेन में कनेक्ट है, मीन्स छः की छः कार्बन एक ही चेन से में कनेक्ट है. इसके लिए एविडेंस है हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटली जिनको प्रूव किया गया है, ठीक है. तो इस पे बेटे ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम मीन्स 80-90% पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में आने की, ठीक है. ग्लूकोज हैव सिक्स कार्बन एटम अरेंज्ड इन स्टेट चेन. भी ग्लूकोज के जो छः कार्बन है ये एक ही चेन में अरेंज है, इसको कैसे प्रूव किया गया? व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद एच आई एंड रेड फॉस्फोरस, जब हम एच आई और रेड फॉस्फोरस के साथ इसको ट्रीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, गिव्स एन हेक्सेन. एन हेक्सेन मीन छः की छः कार्बन आपके एक ही चेन में कनेक्ट है. विच प्रूव दैट, ये प्रूव करता है ऑल कार्बन कनेक्टेड इन स्टेट चेन, कि सारे कार्बन एक ही चेन में कनेक्टेड हैं. रिएक्शन आपकी CHO, CHO OH4, CH2OH, ग्लूकोज आपका एच आई रेड फॉस्फोरस के साथ ट्रीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर. प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग है, मीन्स काफ़ी लंबे समय तक हीटिंग चल रही है, तो हमें ये एन हेक्सेन मिल जाता है आपका, ठीक है. दिस प्रूव दैट कार्बन हैव सिक्स, सॉरी ग्लूकोज हैव सिक्स कार्बन विच आर अरेंज्ड इन स्टेट चेन. देन प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज, क्योंकि बेटे जो कार्बोनिल ग्रुप है CO को हम डिनोट करते हैं. कार्बोनिल ग्रुप दो तरह का होता है, अगर इसकी एक पोजीशन पे हमने H लगा दी तो ये आपका बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, और दोनों पोजीशन पे अगर आपका कोई R ग्रुप है तो ये आपका बन जाएगा कीटो ग्रुप, ठीक है. तो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को भी प्रूव किया गया बाय ट्रीटिंग विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ. जब इसको हम ट्रीट करेंगे HCN के साथ, देखो यहाँ पे इधर कर देती हूँ मैं सिंपली ये ग्रुप लेके चल रही हूँ COH, ठीक है. जब हम HCN के साथ ट्रीट करेंगे CN नेगेटिव एंड HS पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव है आपका, एज यू नो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है. तो ये नेगेटिव चार्ज आपका इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से ये नेगेटिव चार्जेस आपके H को ले लेगा, ठीक है. मीन्स आपके पास क्या रिप्रेजेंटेशन आएगी, COH और आपका CN, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है. ये क्लास 11 में भी हमने रिएक्शन की हुई है. तो HCN के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये CHO पर अटैक करता है, मीन्स कार्बोनिल HCN अटैक ओनली विद कार्बोनिल ग्रुप, ओके. तो ये आपका CO ग्रुप पर अटैक करेगा, तो यहाँ से OH और CN बन जाएगा और रिमेनिंग टर्म्स आपकी एज इट इज रहेंगी. ग्लूकोज सियानोहाइड्रिन बन गया. दिस प्रूव दैट ग्लूकोज हैव कार्बोनिल ग्रुप, ओके. अभी एल्डिहाइड है ये प्रूव नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ क्या प्रूव कर रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है. दूसरी रिएक्शन NH2OH के साथ जब इसको हम ट्रीट करेंगे, देखो CO और ये आपका हो गया H, ठीक है. इसको जो हम ट्रीट करा रहे हैं NHHOH, तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, ये वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड NOH आपका जुड़ जाएगा, ठीक है. CH डबल बॉन्ड NOH, CHO को NH2OH के साथ जब हम ट्रीट कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है, CH डबल बॉन्ड NOH ग्लूकोज ऑक्साइम बन जाता है. ये जो फॉर्मूला है क्या, हाइड्रोक्सीलेमाइन है, ठीक है. NH2OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सीलेमाइन, और ये आपका क्या, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्साइम बनता है. तो क्या बन गया आपका, ग्लूकोज ऑक्साइम बन गया है, ठीक है. अब ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये प्रूव करती हैं ग्लूकोज हैव कार्बोनिल ग्रुप, ओके. नाउ इफ वी आर ट्रीटेड ग्लूकोज विद Br2 विद वाटर, ब्रोमीन वाटर, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके बेटे. ये आपका अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ओनली एल्डिहाइड को ये ग्रुप आपका ऑक्सीडाइज करता है. ये आपको प्रूफ देगा कि कार्बोनिल ग्रुप इज अ एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका, ठीक है. तो Br2H2O के साथ जब हम ट्रीट करते हैं ग्लूकोज को तो हमें क्या मिल जाता है, COOH, मींस एल्डिहाइडिक ग्रुप इज गेट ऑक्सीडाइज्ड कन्वर्टेड इनटू COOH आपका, और रिमेन नीचे की टर्म्स आपकी एज इट इज रहेंगी. इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है. क्या बन गया आपका, ग्लूकोनिक एसिड बन गया.
तो ये एविडेंस है आपका, ग्लूकोज हैव कार्बोनिल और एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका, नेक्स्ट बेटा आपका प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, कि हमारे पास ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। जब ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्या होता है, आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप गेट ऑक्सीडाइज इंटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। HNO3 ओनली प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है और CHO ग्रुप को भी, एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ओके। तो इट गिव्स सैक्रिक एसिड, ये सैक्रिक या ग्लूकोनिक एसिड हमें मिल जाएगा। CHO आपका COH में, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। हेयर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इज ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप रिमेन एज इट इज, ठीक है। दिस इज सैक्रिक एसिड और ग्लूकारिक एसिड, ठीक है। वो ग्लूकोनिक एसिड था, ये ग्लूकारिक एसिड है बेटे, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ 5-हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5-हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स अब हमारे पास क्या है, 5 OH ग्रुप होते हैं। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके हम एसिटाइलेशन कराकर विद एसिटिक एनहाइडाइड के साथ में। जब हम ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइडाइड के साथ में ट्रीट करते हैं पायरीडीन की प्रेजेंस में, तो हमें ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलता है। OH यहाँ से आपका, इधर से आपका वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी यहाँ एक एक एच यहाँ से निकल जाएगा और आपका एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये एसिडाइलेशन है, क्लास 11 में भी किया हुआ है आप लोगों ने। CHO CHOH, एच को हटा दो, इसकी जगह COCH3 ग्रुप लगा दो, तो OCOCH3 4 आपका बन गया। यहाँ से एच को हटा दो, पांचवा COCH3 ग्रुप आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब क्योंकि एक ग्रुप और एक्स्ट्रा बच गया ओ, इन सब का एच आपका इधर जुड़ के क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर, अब ये आपके सारे एविडेंस जो हमने कहा था कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप होता है, 5-हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ये प्रूव हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो करेक्ट नेम है बेटा ग्लूकोज को जो हमें लिखना चाहिए वो डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ये डैश हमने लगा रखा है इनको सेपरेट करने के लिए। डी मीन्स डी रिप्रेजेंट हेयर कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। कॉन्फिग्रेशन मीन्स जैसे जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उनका एक जनरल रेफरेंस माना गया ग्लिसरलडिहाइड, जो हमने पीछे किया था CHO CH CHOH और इधर CH2OH, ठीक है। तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स का OH राइट हैंड साइड में होगा, लास्ट सेकेंड OH राइट हैंड साइड में होगा, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी कॉन्फिग्रेशन से, ठीक है। और जिनका लास्ट सेकेंड कार्बन का OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। RHS में होगा अगर लास्ट सेकेंड OH ग्रुप, लास्ट सेकेंड कार्बन का OH ग्रुप, तो कैपिटल D से डिनोट किया जाएगा, डी सीरीज में वो बिलोंग करेंगे। और अगर लास्ट सेकेंड कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो उसको हम L सीरीज से बिलोंग करेंगे, ठीक है। कैपिटल D कैपिटल L रिप्रेजेंट हेयर कॉन्फिग्रेशन, नॉट ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड प्लस एंड माइनस हेयर रिप्रेजेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लस मीन्स ग्लूकोज रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, डी हेयर कॉन्फिग्रेशन एंड पॉजिटिव साइन हेयर ऑप्टिकल एक्टिविटी को ही डिनोट करता है, ठीक है। सिंस इट इज ऑप्टिकल एक्टिव देयर फोर इट्स इनेंशियोमर, तो इसका एक इनेंशियोमर भी होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एल नेगेटिव ग्लूकोज आपका, बिस्को जस्ट इसकी अपोजिट स्ट्रक्चर होगी। जैसे ये आपका ग्लूकोज है, CHO आ गया, एल ग्लूकोज की मैं बात कर रही हूँ अभी, यहाँ HOH राइट डायरेक्शन में होता है, तो उसका OH इधर होगा, इसका H इधर होगा, इसमें H इधर होगा, OH इधर होगा, मींस बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, इसका OH इधर, इसका H इधर, एल ग्लूकोज वो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर इसकी पढ़ेंगे, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है वो दो साइंटिस्टों ने दी, एक फिशर और एक आपका हावर। तो पहले हम फिशर प्रोजेक्शन करेंगे, हमने ग्लूकोज को इस तरह से लिख दिया है, मीन्स CHO को ओपन कर दिया है, ऊपर लगाओ H को, इधर लगाओ, नो इशू, ठीक है। जो ये लास्ट सेकेंड कार्बन की जो ऑक्सीजन होती है वो कार्बोनिल कार्बन पे, इसके लॉन पेयर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब ये जो H है, H को ये ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। तो आपके इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, ये पाँचवा कार्बन किससे लिंक है, ऑक्सीजन के थ्रू आपका फर्स्ट कार्बन से लिंक है,
फिफ्थ कार्बन आपका ऑक्सीजन के थ्रू किससे लिंक हो गया, फर्स्ट कार्बन से। अब इस फर्स्ट कार्बन के पास भी दो ग्रुप है, एक एच और ऑक्सीजन ने इस वाले एच को ले लिया यानी ओ एच। अगर ये ओ एच बेटा आपका राइट हैंड डायरेक्शन में आप लगाते हो तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे अल्फा से, ओके। अगर ओ एच को, इस कार्बन के ओ एच को हम राइट हैंड डायरेक्शन में पुट कर देते हैं तो हम इसको नेम देंगे अल्फा, और अगर इस ओ एच को हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लगाते हैं, पुट करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा, और सारा आपका सेम रहेगा एच इट इज। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन की पोजीशन चेंज होंगी, फर्स्ट पे एच ओ एच, फिर सेकेंड आपका सेम है एच ओ एच, थर्ड आपका सेम है ओ एच एच, फोर्थ आपका सेम है एच ओ एच, फिफ्थ आपका एच और ऑक्सीजन के थ्रू ये फर्स्ट कार्बन से अटैच है, और नीचे आपका सी एच टू ओ एच। इसका नाम क्या हो गया, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ठीक है। हेयर आपका ओ एच को हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया है तो ये क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज, ओके। इसको दो तीन बार रफ नोट बुक में बना के देखना, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा, बहुत ईजी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कॉल मी। एनोमर्स, एनोमर्स क्या है, अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विच डिफर इन कॉन्फिग्रेशन ओनली अराउंड फर्स्ट कार्बन एटम आर कॉल्ड एनोमर। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एनोमर्स हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है, ओनली फर्स्ट पोजीशन का। भाई इस फर्स्ट कार्बन का OH लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है और इस फर्स्ट कार्बन का OH आपका राइट हैंड डायरेक्शन में है। तो पेयर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर विच डिफर इन कॉन्फिग्रेशन ओनली अराउंड C1 एटम, ओके, फर्स्ट कार्बन एटम पर, आर कॉल्ड एनोमर। एक टर्म है बेटा आपका म्यूटा रोटेशन, स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकल एक्टिव है, रोटेट करते रहते हैं, तो जो इनकी रोटेशन में जो चेंज आ रहा है, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, अल्फा ग्लूकोज से बीटा ग्लूकोज से अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी इनकी, वो चेंज इनका, वो स्पेसिफिक रोटेशन क्या कहलाती है, म्यूटा रोटेशन। स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। लाइक अल्फा डी ग्लूकोज है, ये इक्विलिब्रियम है आपका, ठीक है, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज है, ये दोनों क्या आ गए हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आ गए हैं, तो इनकी स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, अल्फा डी 298, डी आपकी ये डी सीरीज के मेंबर हैं, 298 टेम्परेचर है, ओके, 52.5। इधर आपका ये बीटा डी ग्लूकोज की रोटेशन क्या है, प्लस 19.2, इधर आपका प्लस 111 डिग्री है, तो ये आपका म्यूटा रोटेशन है, डिफाइन आ जाती है 1 मार्क्स में। नेक्स्ट आपका हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला जिसको हम पायरानोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। पायरानोज मीन क्या है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड पायरानोज। इसको पायरानोज ही क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर वो मैच होती है पायरान से। पायरान का फॉर्मूला क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, बीच में एक ऑक्सीजन होती है, इधर डबल बॉन्ड और आपका इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो पायरानोज स्ट्रक्चर क्या है, 6 मेंबर स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर एक ऑक्सीजन को कंटेन किए हुए, रिमेनिंग आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, ओके। चलिए अब इसकी जो हम पायरानोज स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज की, बेटे इसको आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज मूव करा देना, मींस एच ओ एच, देखो लाइक दिस, पहले 6 कार्बन की आप चेन बना लो, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है फेसर प्रोजेक्शन को, और इधर मैंने ये क्या किया है, ये ऑक्सीजन लगा के इस वाले टर्मिनल पे ऑक्सीजन लगानी है, ठीक है, यहाँ लगा के, और ये बेंजीन शेप में आप 6 मेंबर्ड रिंग बना दीजिए, ठीक है। यहाँ फर्स्ट का नंबर दे दो, इधर सेकंड, इधर थर्ड, इधर फोर्थ, इधर फिफ्थ, इधर भी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे मेंशन कर दिया है। अब इसको ऐसे मूव करा दो, मीन्स एच ओ एच को मूव करा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एच ऊपर चला गया ओ एच नीचे चला गया, हैंग कर दिया एच ऊपर ओ एच नीचे, इधर सेकंड का एच ओ एच इसको मूव करा दो, एच ऊपर चला गया ओ एच नीचे चला गया, थर्ड कार्बन का ओ एच एच इसे मूव कराओ ओ एच ऊपर आपका एच नीचे, फोर्थ को भी एच ओ एच एच ऊपर ओ एच नीचे, फिफ्थ का भी एच सी एच टू ओ एच, ये ऑलवेज एच आपका नीचे रहेगा सी एच टू ओ एच आपका ऊपर रहेगा, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक एनहांस, क्योंकि सी एच टू एच को ओ एच को नीचे नहीं लगाएंगे, ऊपर ऊपर ही हैंग करेंगे हम। तो ये आपका ग्लूकोज का बन गया है हावर्थ स्ट्रक्चर, जिसका क्या नाम है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज, ओके। ये फिसर प्रोजेक्शन से ही बन रहा है आपका हावर्थ प्रोजेक्शन, बस इसको साइक्लिक फॉर्म में दिखा दिया है, 6 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन बीच में है आपका, जिस कार्बन जहां ऑक्सीजन उससे नेक्स्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन शो करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ, और फिसर प्रोजेक्शन की पोजीशंस को क्लॉकवाइज मूव कराते हुए इनको हम एच ओ एच इनके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है।
सेम बेटा, बीटा डी ग्लूकोज का फिसर प्रोजेक्शन बनाओ, और वैसे ही आप बेंजीन टाइप में 6 मेंबर रिंग बनाओ, एक फर्स्ट एक टर्मिनल पर ऑक्सीजन, उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फिफ्थ आपका OH फर्स्ट पोजीशन पे ऊपर है तो ऊपर जाएगा, फिर थर्ड नीचे H, फिर HOH, H ऊपर, OH नीचे, थर्ड का OH ऊपर है तो थर्ड पे OH ऊपर, नीचे H। इसको आप सिंपली भी बना सकते हो, आपको एक बार तो इसी से देख के समझना है आपको, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप बनाओगे बेटे, कैसे करोगे, एक 6 मेंबर रिंग बना देनी है लाइक दिस, ओके। हर पोजीशन पे इस तरह से आप लाइन मेंशन कर दोगे, ओनली थर्ड पोजीशन का OH ऊपर रहता है, अदरवाइज सारे OH नीचे रहते हैं। थर्ड पोजीशन 1, 2 और 3, थर्ड पोजीशन का OH ऊपर रहेगा, वरना सारे OH आपके नीचे हैं। HOH, HOH, H CH2OH, ये बन गया अल्फा आपका। अगर बीटा बनाना है तो फर्स्ट पोजीशन को चेंज करा दो, OH ऊपर आपका और H आपका नीचे, वेरी सिंपल, ठीक है बेटे।